अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ के सुंबल विद पेट्स एंड नेस्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रोलर या नील कंठ का घोंसला, और उसमें नील कंठ के चूज़े हैं। बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाते हैं ये चूज़े, बहुत ही सहमे सहमे हुए, और मैं कोशिश करता हूँ एक चूज़ा निकालने की, आपको दिखाने की। ये देखिए फ्रंट, बहुत ही खूबसूरत, क्यूट, कलरफुल चूज़ा। ये देखिए दोस्तों, ये परिंदा सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में बकसरत पाया जाता है, और ये इंसेक्ट ईटर है और इंसान दोस्त परिंदा भी है। इंसान दोस्त परिंदा इसलिए है कि वो कीड़े या इंसेक्ट्स जो इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान देते हैं, ये उनको खाकर गुजारा करते हैं। बहुत खूबसूरत परिंदा है, और इसे हिंदू धर्म में भी बड़ी एक धार्मिक हैसियत हासिल है। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि और भी चूज़े आपको दिखाऊँ घोंसले में। ये देखिए, ये चार चूज़े थे, बदकिस्मती से एक चूज़ा मर चुका है, और उसकी बाकियात भी आप देख रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल नौजवान चूज़े, और बहुत सहमे सहमे से। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से एक और चूज़ा घोंसले से निकाल कर आपको दिखा सकूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा चूज़ा है जिसे मैंने निकाला है अपना घोंसले से, बहुत ही गुस्सा किए हुए, लेकिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इसका अंदाज़ गुस्सा करने का। और ये देखिए, चीखना और चिल्लाना भी इसने शुरू किया है, कसमसा रहा है मेरे हाथ में, और बड़ी हैरानगी और सरासीमगी से इधर उधर देखते हुए कि ये क्या होने जा रहा है। वेरी कलरफुल बर्ड, फ्रेंड्स जहाँ तक मेरा इल्म है तो इन परिंदों को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंसेक्ट ईटर हैं, तो इंसेक्ट को प्रोवाइड करना फिजिबल नहीं है हमारे लिए। तो ये इसे अगर नेचुरल इसके हैबिटेट में रहने दीजिए तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ में घंटी के बटन को भी आप हिट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।